एफआईआर जो है वो लॉज कब होनी चाहिए। देखिए जो ऑर्डर है नॉर्मली वो क्या है, सेक्शन 154 सबसेक्शन 1 देन सेक्शन 156 सबसेक्शन 1। पहले एफआईआर लॉज होगी, एफआईआर मींस ऑल एवरी इंफॉर्मेशन दैट शोइंग द कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड देन द पुलिस ऑफिसर विल गेट द पावर अंडर सेक्शन 156 सबसेक्शन 1 टू इन्वेस्टिगेट। बहुत रेयर होता है लेकिन इट हैपन दैट पुलिस डिड द इन्वेस्टिगेशन एंड आफ्टर दैट एफआईआर इज रिटन, ठीक है। सो ऐसी एफआईआर को बोलते हैं पोस्ट एफआईआर। क्या बोलते हैं? पोस्ट एफआईआर। केस का नाम लिख लो, बड़ा 2023 का जजमेंट है, रफीकुल मंडल मंडल MONDL रफीकुल मंडल वर्सेस द स्टेट ऑफ असम एंड अदर्स। रफीकुल RAFIKUL रफीकुल मंडल वर्सेस स्टेट ऑफ असम एंड अदर्स। पुलिस डिड द इन्वेस्टिगेशन, इवन अरेस्टेड द अक्यूज्ड, ठीक है, एंड आफ्टर दैट एफआईआर वाज रजिस्टर्ड। सच टाइप ऑफ द प्रैक्टिस इज एलियन एंड नॉट कंसिस्टेंट विद द CRPC। ये जो प्रैक्टिस है बिल्कुल गलत है। पहले आप एफआईआर लॉज करोगे, ओनली देन पुलिस विल गेट द पावर टू इन्वेस्टिगेट, ठीक है। सो पोस्ट एफआईआर कोई पूछे, पोस्ट एफआईआर इज नॉट प्रॉपर एज पर द CRPC। आप इन्वेस्टिगेट स्टार्ट करो बिना एफआईआर के, आपने किसी को अरेस्ट भी कर लिया, कहाँ से पावर आ रही है पुलिस के पास? पुलिस हैज ओनली दैट पावर, ओनली दैट मच पावर पुलिस हैज दैट इज प्रोवाइडेड बाय द CRPC और द पुलिस एक्ट, इसके अलावा नहीं, ठीक है। अगर पुलिस बिना पावर के आपको अरेस्ट कर लिया, डिटेन कर लिया, सो दैट इज इलीगल डिटेंशन एंड रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस।